ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर मार्केट में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई और मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू क्या बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आपको एक एक करके सुनवाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के परफॉर्मेंस की। तो मार्केट में आज देखे हमने देखा कि दो दिनों की कमजोरी के बाद आज बाजार में खरीदारी लौटी है और निफ्टी में करीब 150 अंक चढ़कर 18,400 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखा वहां पर देखने को मिली। और इसके अलावा बैंक निफ्टी पर भी नजर डालेंगे तो 228 करीब 200 अंकों की तेजी वहां पर भी थी। तो मार्केट में आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि काफी शानदार रिकवरी आई निचले स्तरों से और दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो वो भी चढ़ने वाले शेयरों के फेवरेबल पे था। तो ब्रॉडर मार्केट में आज तेजी ही देखने को मिल रही थी। तो एक्शन आज सिर्फ इंडेक्स तक ही सीमित नहीं था, ब्रॉडर मार्केट में भी आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि निफ्टी में चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन से थे। तो आज निफ्टी का टॉप गेनर था अदानी पोर्ट, यहाँ पर हमने देखा कि करीब 4% से ज्यादा की तेजी आज देखने को मिली। उसके बाद दूसरे नंबर पर M&M, ये स्टॉक भी आज अपने दिन के ऊपरी स्तर पर था। इसके अलावा आयशर में आज 3% की तेजी थी, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि 2-3% की मजबूती आज देखने को मिली है। वहीं गिरने वाले शेयरों पर बात करेंगे तो आज दबाव बनाने का काम किया है आईटी स्टॉक्स ने, हल्का TCS और इंफोसिस में देखेंगे तो हल्का लाल निशान में आज कारोबार करते हुए नजर आए। इसके अलावा ONGC, टाटा मोटर्स और सन फार्मा में भी करीब करीब 0.5-1% का दबाव आज के सेशन में देखने को मिला। मिड कैप में श्रेणी में अगर देखें तो आज का टॉप गेनर था GIC रीएश्योरेंस, यहाँ पर करीब 13% का अपमूव देखने को मिला। और हम देख रहे हैं कि लगातार इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में काफ़ी अच्छा रुझान है, तेज़ी लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर नज़र रखिए, UTI AMC में भी आज 11% का रनअप था। और इसके अलावा JBM ऑटो और PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि करीब 9% की तेजी देखने को मिली थी। UTI AMC में टाटा ग्रुप के हिस्सा खरीद की भी खबर आ रही थी, मेजॉरिटी स्टेक की भी खबर आ रही थी, हालांकि बाद में क्लैरिफिकेशन आई, लेकिन दिन भर इस खबर के चलते स्टॉक में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो EPL, कैम प्लास्ट, वेल्सपन इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर और RCA जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। एक्शन वाले स्टॉक्स पर नजर डालेंगे तो महिंद्रा में आज शानदार तेजी थी, ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर बढ़ने की मांग यहाँ पर थी, जिसके चलते महिंद्रा आज दिन की ऊंचाई पर काम कर रहा था और FY23 में रिकॉर्ड ट्रैक्टर बिक्री की भी उम्मीद बताई जा रही है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में भी आज शानदार तेजी थी, 21 दिसंबर को कंपनी की पूंजी जुटाने को लेकर कुछ विचार करेगी और इस खबर के बाद हमने देखा कि यहाँ पर भी 14% का अपमूव था। आज दिन भर हमने देखा कि शुगर शेयरों में भी शानदार तेजी बनी रही और यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले इथेनॉल पर GST 18% से घटाकर 5% करने की खबर आ रही थी, जिसके चलते आज दिन भर शुगर शेयरों में भी एक्शन था। तो स्पेसिफिक स्टॉक और सेक्टर एक्शन भी हमने दिन के दौरान देखा, लेकिन आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में हमने देखा कि दो दिनों की जो वीकनेस थी वहां से एक रिलीफ रैली देखने को मिली और बाजार पॉजिटिव आज बंद हुआ। तो चलिए ये तो था मार्केट पर एक अपडेट हमने आपको दिया, लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे शुगर शेयरों को लेकर, आज वहाँ पर दिन के दौरान शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कुछ फैक्टर्स थे, ट्रिगर्स थे इस तेज़ी के पीछे, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा, गुड आफ्टरनून, बताइए शुगर शेयरों में आज तेज़ी की वजह क्या है? शुगर शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दालमिया भारत शुगर, अवध शुगर, थामपुर शुगर, उत्तम शुगर, इन सभी शेयरों में करीब करीब 7-15% का उछाल देखने को मिला। कई फैक्टर्स थे इसके पीछे। सबसे पहले GST रेट कट जो आया उसकी बात कर लेते हैं। बायोफ्यूल जो सप्लाई किया जाता है इन शुगर कंपनियों के द्वारा रिफाइनरीज को इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, उस पर GST रेट कम कर दिया गया है। 18% से कम कर ये GST रेट अब 5% पर कर दिया गया है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, उनसे कुछ कॉमेंट्री आई है। याद रखें इथेनॉल ब्लेंडिंग 10% का टारगेट हमने अचीव किया था 2022 में और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का इंडिया का टारगेट 2025 का सेट किया गया है।
लेकिन मिनिस्टर से अच्छी कमेंट्री आई। उन्होंने कहा कि इंडिया ऑलरेडी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को लॉन्च करने के लिए रेडी है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि इथेनॉल ब्लेंडेड 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अगले ही महीने से कुछ सिलेक्ट आउटलेट्स में बिकना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ग्लोबल शुगर प्राइसेस की भी बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते ग्लोबल शुगर प्राइसेस 5 से 6 ईयर हाई लेवल्स पर थे। फूड सेक्रेटरी से भी एक्सपोर्ट ड्यूटी कैप पर कुछ कमेंट्री आई थी पिछले हफ्ते। याद रखें, शुगर सीजन 22-23 के लिए शुगर एक्सपोर्ट्स पर कैप लगाई गई है 6 मिलियन टन पर, लेकिन फूड सेक्रेटरी ने पिछले हफ्ते ऐसा कहा कि ये कैप परहैप्स इंक्रीज की जा सकती है। सो कई फैक्टर्स थे जिसके चलते शुगर स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में भी बढ़त हो रही है और यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी जो जीएसटी है वो कम करने की बात की जा रही है। जीएसटी 18% से घटकर 5% करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम खबरों की वजह से, और हम देख रहे हैं कि शुगर प्राइसेस में लगातार एक तेज़ी बनी हुई है, इन तमाम खबरों की वजह से हम देख रहे हैं कि आज इन शेयरों में तेज़ी थी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और अहम खबर का। और वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के साथ बैठक की जिसमें कि जबरन बीमा नहीं बेचने की उनको हिदायत दी है। सरकार ने बैंकिंग चैनल के जरिए इंश्योरेंस की बढ़ती शिकायतों के बाद ये कदम उठाया। पूरी खबर के साथ अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। वित्त मंत्रालय के द्वारा सरकारी बैंकों के मुखिया को एक चिट्ठी लिखी गई है और उन्हें इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो मिससेलिंग हो रही है बैंकिंग चैनल के जरिए, बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के जरिए, उसकी अवगत कराया गया और हिदायत दी गई है कि बैंकों का जो फोकस है वो बैंकिंग कारोबार पे ज़्यादा रहे और जो बैंकिंग का स्टाफ है जो टारगेट पूरा करने के लिए इंश्योरेंस की मिससेलिंग कर रहा है उसे बैंकों को बचना चाहिए। चिट्ठी में ये भी बताया गया है कि सीवीसी के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा भी जो चिंता जाहिर की गई है, जो इंसेंटिव जुड़े हुए हैं बैंकिंग पार्टनर के जरिए इंश्योरेंस बेचने में, जिससे जो बैंकिंग कर्मचारियों का जो फोकस है वो अपने कोर बिजनेस से शिफ्ट होकर इंश्योरेंस पे भी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो वहाँ पर जो सीवीसी की चिंता है उसे भी अवगत कराया गया है इस चिट्ठी में। और बैंकों को कहा गया है कि वो मिस सेलिंग जो होती है इंश्योरेंस की उससे बचे और अपना जो कोर बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो शिकायतें आ रही थी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास, जो वित्त मंत्रालय के पास शिकायत आ रही है इंश्योरेंस कारोबार के अंदर जो मिस सेलिंग हो रही है बैंकिंग चैनल के जरिए, तो वहाँ पर है वित्त मंत्रालय ने एक ऑब्जेक्शन लेते हुए सभी सरकारी बैंकों को चिट्ठी लिखी है और इस तरह की जो बैंकिंग चैनल के जरिए मिस सेलिंग हो रही है उससे बचने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा मंगलवार को मार्केट रेगुलेटर सेबी की अहम बैठक होगी, यानी कि कल ये अहम बैठक होने वाली है और इसमें क्या कुछ चर्चा हो सकती है इस पर एक पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए कल की बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे? जी हाँ, सेबी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है मंगलवार को और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है इस बार वो बायबैक नॉर्म्स के बदलाव को लेकर डिस्कशन है। अभी तक दो तरीके होते हैं बायबैक्स के, एक तो टेंडर ऑफर और दूसरा ओपन मार्केट। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेबी का पक्ष यही है कि ओपन मार्केट परचेज रूट को सेबी फेज आउट करना चाहता है, इसीलिए इस बार की बोर्ड बैठक में जो पहले डिस्कशन पेपर में फ्लोट आउट हुआ था उस पर कंसिडरेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर लिस्टेड कंपनीज के डिस्क्लोजर नॉर्म्स की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी टाइटनिंग हो सकती है। जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बोला जा सकता है कि पहले जो 24 घंटे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी इम्पॉर्टेंट, अब वो सिर्फ 12 घंटे में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दें। इसके अलावा टॉप 52 जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए अलग से नॉर्म्स भी आ सकते हैं। मटेरियलिटी डिफाइन हो सकती है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन पे उन्हें जानकारी देनी है। तो ये सारे जो कंसिडरेशन हैं वो बोर्ड बैठक में हो सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कंसिडरेशन ESG नॉर्म्स को भी लेकर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग्स हैं जो कंपनियाँ ESG रेटिंग्स देती हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो वहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है और उस पर भी डिस्कशन इस बार की जो सेबी की बोर्ड बैठक है उस पर हो सकती है।
ऑलराइट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान से हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने खास बातचीत की और बातचीत में आशीष चौहान ने कहा कि खराब ग्लोबल स्थिति के बावजूद भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईपी के आंकड़ों में भी आगे बढ़ोतरी जारी रहेगी। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। 2022 में जिस तरह के चैलेंजेस थे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सप्लाई चेन की दिक्कतें थी, 2020-21 में हमने देखा कोरोना की दिक्कत थी, तो उन तमाम चैलेंजेस के बाद भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट लग रही है। 2023 को लेकर आपका क्या आउटलुक है? जैसे 2020-21-22 विश्व के लिए काफ़ी खराब रहे, उसके अंदर भी भारत एक तरह से उभर के आया, तो मुझे लग रहा है कि जो जितनी भी कमियाँ थी, खामियाँ थी, जितनी भी समस्याएँ थी, वो धीरे धीरे सुलझ रही है विश्व में भी, और उसके वजह से और भारत की अपनी जो लॉजिस्टिक्स की इश्यूज़ हो या फाइनेंस की इश्यूज़ हो वो भारत में नहीं हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर भी भारत की जो खुद की वजह से जो ग्रोथ होता है, खुद कंजम्पशन की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वो आगे बढ़ते रहेगा। जो GST का जो अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो बाकी सब ऑटोमेशन, जो ई गवर्नेंस का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका जो लाभ है अगले 20-50 साल तक भारत को मिलेगा, जो विश्व में मुझे लग रहा है सबसे बेहतर एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको मैं कहता हूँ, वो अभी पिछले 8-10 सालों में बना है और वो भारत को बहुत आगे ले जाएगा। और आप जो विश्व में समस्या दिख रही, जैसे चाइना में रियल एस्टेट के इश्यूज है जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रेट कम होगा, या वहाँ पर अभी भी कोविड की समस्या चल रही है तो उसका जो ग्रोथ रेट कम होगा, उसका थोड़ा सा एक असर यहाँ पर पड़ भी सकता है, क्योंकि थोड़ी चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन और जैसे अमेरिका या यूरोप में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर डिमांड कम होने की संभावना है, बट हमारा जो खुद का जो ग्रोथ है, हमारा जो खुद का कंजम्पशन है, जैसे कि दारों मदार पर भारत अभी तक ग्रोथ करते आया है, तो मुझे लग रहा है आगे भी वो करते रहेगा। और बिकॉज ये जो चीज़ें इतनी अच्छी सुलझ गई है, GST वगैरह, और जो कोविड की समस्या से भी हम ठीक ठाक खड़े उतरे, तो मुझे लग रहा है आगे जा कर के काफ़ी अच्छे, मैंने अच्छे आसार लग रहे हैं। सर, जिस तरह का इक्विटी SIP इन्फ्लोज वगैरह देखने को मिल रहा है, साथ ही जिस तरह से FIIs की भी बाइंग वापस से शुरू हो गई है, क्या ये कंटिन्यू होता दिख रहा है आपको 2023 में भी? नहीं, ज़रूर, देखिए इवन कोविड के दौरान SIPs वगैरह जारी रहे और बढ़ते गए, उसके ऊपर जो जब फॉरेनर्स, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने पैसे निकाले बिकॉज उनको विश्व में लग रहा था कि मंदी आएगी, उस समय भी भारत के जो रिटेल निवेशक थे उन्होंने अपने पैसे भारत के अंदर डालने कंटिन्यू रखे, और पहले अभी तक पहली बार ये हुआ है पूरे स्टॉक मार्केट के इतिहास में, 1993-94 के जब फॉरेनर्स पैसे निकालते थे तो भारत के जो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाते थे, इस बार ये नहीं हुआ, क्योंकि एक तरह से प्रेशर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर इतना ज़्यादा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो निवेश है उससे हावी है, उसके ऊपर हावी हो गया है, और एक तरह से पहले हमारे जो रिटेल जो सेवर्स हैं, करीब 30% इंडिया का GDP सेव होता है, रिटेल के हाथ में होता है, तो वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते थे। पिछले कोविड के दौरान कई लोगों ने स्टॉक मार्केट में निवेश किया, उनको अच्छा रिजल्ट मिला, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर भी वो निवेश करते रहेंगे म्यूचुअल फंडों के द्वारा, खुद के द्वारा। हालांकि जो स्पेक्यूलेशन जिसको कहते हैं, जिसको सट्टा कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए, सुबह खरीद के शाम को नहीं बेचना चाहिए, या ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है निवेश ज़रूर भारतीय कंज्यूमर, भारतीय सेवर जो है वो अब फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ आ रहा है। पहले गोल्ड वगैरह में पैसे डालते थे, रियल एस्टेट में डालते थे, जहाँ पर लिक्विडिटी भी कम है और रिटर्न्स भी ज़्यादा नहीं है, जबकि स्टॉक मार्केट में आपके पास लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, रिटर्न्स की भी अच्छी उम्मीद रहती है, तो मुझे लग रहा है आगे जाकर भी रिटेल निवेशक स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे आशीष चौहान NSE के MD और CEO हमसे खास चर्चा करते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले 20 साल में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बेहद मजबूत रहने वाली है, जिसके चलते एनर्जी की डिमांड भी बहुत तेज रहेगी। ये कहना है ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह का, हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते। शुक्रिया सर ETNOW स्वदेश से बात करने के लिए। इंडिया एनर्जी वीक की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समय में ये मेगा इवेंट होने जा रहा है, जब दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस की बातें चल रही हैं,
साथ में रिसेशन की भी कभी डर है, ऐसे समय में कितना इम्पोर्टेंट साबित होने जा रहा है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इवन? सो इंडिया मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में नेक्स्ट 10-20 साल में इंडियन एनर्जी डिमांड इतना ज़्यादा होगा कि दुनिया में ऐसा ग्रोथ कहीं नहीं होगा, डेट अपॉर्चुनिटी कहीं है नहीं इतना अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये चार चीज़ें हैं इसमें, एक तो हमारा डेमोग्राफिक का डिविडेंड है, दूसरा डिजिटलाइजेशन का सॉलिड बेनिफिट है, डीकार्बोनाइजेशन दुनिया को चाहिए वो भी इंडिया के फेवर में जाता है, और चौथा थोड़ा बहुत डीग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। तो चारों फोर्स मिलकर इंडिया का जो टेलविंड है, जो पीछे से जो एनर्जी देती है, वो चारों मिलकर इंडिया का डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब इसमें सवाल ये है कि यहाँ हम इस इवेंट में इसलिए हैं कि हमको दोनों वर्ल्ड चाहिए, एक कन्वेंशनल वर्ल्ड से भी एक्सेसिव प्रोडक्शन चाहिए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, और दूसरा है कि हमको जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्पेस है वो भी चाहिए। तो दोनों एरिया में हमको इक्वल फोकस करना है, इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ और, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ एंड हेयर वी आर फॉर दैट एंड टू लुक फॉर पार्टनर्स हु कैन कोलैबोरेट विथ अस इन बोथ द स्पेस। कौन कौन से सेगमेंट में आप पार्टनर्स, क्योंकि ONGC अपने पुराने फील्ड्स के लिए भी पार्टनर्स सर्च कर रहा है, कुछ कोलैबोरेशन आपने किए भी हैं? नहीं, हम पुराने फील्ड के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कुछ एरिया हैं जहाँ हमको पार्टनर की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि वहाँ पार्टनरशिप होने से नॉट ओनली एक्सप्लोरेशन में मदद होगी बल्कि डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्शन में भी मदद होगी, तो वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो पार्टनरशिप का एक स्पेस है, और दूसरा स्पेस जो रिन्यूएबल के स्पेस में है, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एंड ऑल दैट, वो भी स्पेस में। तो ये दोनों हम इस इवेंट में इस दोनों एंगल से इसको देख रहे हैं कि जो भी कर सकते हैं वो हम करें। ऐसे समय में जब इंडिया अक्रॉस द ग्लोब जा रहा है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे में ENP सेक्टर में किस तरह के निवेश की संभावना आप देखते हैं और कंपनी के हिसाब से क्या प्रोस्पेक्टिव है आपका? वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल मैटर है, आप अगर इंडिया के बाहर वाली बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा एक पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगा तब हम आई बी इन बेटर पोजिशन टू कमेंट, बट जो इंडिया के अंदर हम खोज सकते हैं, जो एफर्ट कर सकते हैं एक्सप्लोर ढूंढने में और प्रोड्यूस करने में, वो हम कोई भी चीज़ पूरी ताकत लगाएंगे वो दोनों चीज़ों को करने में। क्रूड की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, फिर बढ़ गया हाँ, लेकिन जो ग्लोबल रिसेशन का एक डर है, उस कॉन्टेक्स्ट में सर आप आउटलुक क्या देखते हैं आने वाले एक साल? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि क्रूड अभी रेंज बाउंड रहेगा, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर चलता रहेगा अनलेस कोई मेजर डिस्टर्बेंस ना आ जाए। बिल्कुल, तो ये थे ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के साथ खास बातचीत करते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन